हेलो गाइस, मैं अनुमान खान हूँ, आप देख रहे हैं नमी के ब्लॉग। तो आज मैं हूँ नरान का गान में, ठीक है, खैर नरान का गान तो नहीं, खैर नरान में हूँ, ठीक है। तो काफ़ी थके हुए थे तो हमने डिसाइड किया कि हमारा शॉर्ट टूर है तो इस पर एहसूस नहीं करनी, इंजॉय करना। तो अब हम लोग नहर में जा रहे हैं, हमारे लिए तो नहर है, इनके लिए तो दरिया है पूरा। वहाँ पर कैंपिंग वगैरह चलेगी, बॉनफायर करेंगे और हम लोग रिवर क्रॉस करने लगे और ये हमारी मैं नहीं खेलना अगर ये काम करने हैं तो। और रजीव भाई उधर कैच करने वाला कोई नहीं है हमें, वही उधर कोई भी नहीं है, उधर से तो वापस हम इधर खुद आएंगे चला के, रात को ये चला भी जाए तो मसला नहीं। फुल जो सीन है जी, पार कर लिया हम, फुल टाइम सीन ऑन चल रहा है हमारा इस वक्त। नींद की वजह से थकावट इतनी हुई है, समझ नहीं आ रहा क्या बोलना क्या नहीं बोलना है, लफ्ज ही मिस हुए जा रहे हैं। और इसी के साथ हमारे दूसरे करिंदे, दूसरा मतलब ग्रुप हमारा आज आने वाला है यहाँ पे पहुंचने लगा, और ये लोग आगे जिसमें वैस भाई है, और वैस भाई के साथ अरसलान है और अमरोज खान है, अरसलान भाई, अमरोज भाई और वैस भाई हमारे आगे। Got enough of every melody, they all sound the same, yeah. For my broken heart, no remedy, but maybe if you stay, we can get away with it. Cause you make me love my imperfections, answer all my questions, just to show me what's on the other side of inhibition. Apologies, my baby. I tell you do, cause I'm feeling so good. कैंप कुंप लग गया, ठंडी हवाएं चल रही है, नदी के किनारे शीशा फुल टाइम ऑन है, ठीक है। आप बाकी का व्लॉग आपको आगे जाके दिखाते हैं, अभी तक तो हमने जो एंजॉयमेंट की है वो आपको दिखाई है। मेरा डे वन था नारान में, ठीक है, और आगे इसके आगे हम जो भी एंजॉयमेंट करेंगे उसकी हर चीज की डिटेल और वीडियो आपको दिखाएंगे। थैंक यू, वीडियो के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, शेयर करें।
कि हम बहुत थक चुके हैं और इस वक्त ये बस हुई पड़ी है और सामान लेके हम जा रहे हैं होटल में, ठीक है। फर्स्ट डे था मेरा, फर्स्ट फ्लोर था नाराज का, ठीक है, बहुत मजेदार है। अभी होटल में जाएंगे वापस, फिर थोड़ा लंगर शंगर करेंगे, लंगर शंगर करने के लिए जब बाहर आएंगे फिर आपको आगे की ब्लॉग के अंदर वीडियो दिखाएंगे। तो यहाँ पे मुझे बड़ी एक अमेजिंग सी चीज लगी, जैसे मरी और नथिया के लिए बहुत एक्सपेंसिव है, ठीक है, आप यहाँ पे होटल्स में सिर्फ 500 रुपये में एक रूम बुक कर सकते हैं, ठीक है यार, मतलब 500 रुपये कुछ भी नहीं आता, ठीक है, उसमें फैसिलिटीज भी मिलेंगी, हीटर मिलेगा, गर्म पानी मिलेगा, ठंडा पानी मिलेगा और 24 घंटे पानी की सहूलत मिलेगी। मतलब कि आप बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी टेंशन के आ जा सकते हैं। तो ये एमरजेंसी भी होती है बंदे को, तो इतनी एमरजेंसी नहीं होगी आपकी। और अगर गर्म पानी नहीं मिला तो समझो फ्रीजिंग पॉइंट है आपके लिए, फिर इसकी जिम्मेदार हुकूमत और इंतजामिया। इसके साथ सो सो आगे रेस्ट उस करके तो 2 बज गए और वापस हम नारायण बाजार में आ चुके हुए हैं और खाने को ढूंढ रहे हैं, खाने को कुछ भी नहीं मिल रहा है यहाँ, सिर्फ टॉट मछली मिल रही है और इतनी सर्दी आ रही है कि मछली खाएंगे और मछली खाएंगे तो बिल्कुल आपके बाद जाए। बाकी फिर आपको दिखाते हैं नारायण बाजार के नज़ारे। फुल टाइम सीन है, शॉल्स कपड़ों की शॉप्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी इजीली, पराठे मतलब होटल रेस्टोरेंट्स वगैरह यहाँ पे अवेलेबल हैं, पर एक्सपेंसिव बहुत है यहाँ पे। और यहाँ पे सिर्फ सबसे ज़रूरी बात ये है कि सिग्नल्स और इंटरनेट जो है वो सिर्फ टेलनोर का चलता है पूरे नारायण में, ठीक है। अगर आप इसके बाद बाबूसर टॉप जा रहे हो तो वहाँ पर जाके भी टेलनोर वगैरह सारे नेटवर्क बंद हो जाएंगे, वहाँ पर सिर्फ एस्कॉम चलेगा, एस्कॉम के अलावा कुछ भी नहीं चलेगा। देख सकते हैं शीशा सरेआम रेंट पे अवेलेबल है, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, इजी होके इजी सीन है। और ये भाई साहब यहाँ पे बारबेक्यू कर रहे हैं सरेआम बाजार में खड़े होके। यहाँ पे आइसक्रीम स्टॉल शीशा, तो यहाँ पे टेंशन नहीं ना, रेंट पे फ्री इजी सीन है, सरेआम आपको शीशा मिलेगा। मतलब होता ना कि यहाँ पे सख्ती है, लोग समझते हैं जैसे मरी वगैरह के रास्ते में चेक पोस्ट आती है या नशे गली में या कहीं पे भी रोक के पकड़ लेते हैं, पर यहाँ पे कोई सीन नहीं है, चिल सीन है। अगर आप अपने साथ नहीं लेके आना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आके आप रेंट ले लें, रेंट पर ले लें और होटल में ले जाके आप यूज कर सकते हैं। ते चले जा रहे हैं, कुछ भी खाने को मिल रहा है, यहाँ पे प्ले लैंड है और आप देख सकते हैं डाउन। फिर इतनी चढ़ाई चढ़ के वापस होटल में जाना, बैंड बज जाती है यार यहाँ पे, तो समझे